तो चलिए प्रथम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। दांत की सबसे ऊपरी परत है, डेंटाइन होता है, एनामेल होता है, अस्थि होता है या क्राउन। देखिए दांत की सबसे ऊपरी परत है एनामेल, याद रखिएगा एनामेल। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ह्यूमन बॉडी में मतलब मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है, वो होता है एनामेल, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है अस्थि, तो याद रखिएगा जो सबसे सबसे लंबी अस्थि कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में, याद रखिएगा फीमर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सबसे लंबी अस्थि होता है, ठीक है, जो कि जांग में पाया जाता है, थाई बोन, याद रखिएगा। और सबसे छोटी मतलब स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है, कान में पाया जाता है, याद रखिएगा, जिसका नाम है स्टेपीज, स्टेपीज कहा जाता है इसे, ठीक है, जो कान में पाया जाता है। ये सबसे छोटी होती है, कान में तीन हड्डी पाया जाता है, एक कान में तीन और एक कान में तीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द्विखंडन होता है, ये जो द्विखंडन होता है किसमें होता है, इसका याद रखिएगा अमीबा में होता है। ठीक है, ऑप्शन को देखिए, पैरामेशियम में, लिस्मेनिया में, इनमें से सभी, देखिए अमीबा में होता है, याद रखिएगा। अच्छा, अमीबा में द्विखंडन क्यों कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए, देखिए अमीबा जो होता है ये एक कोशिकीय जीव होता है, याद रखिएगा, एक कोशिकीय जीव, याद रखिएगा, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, यूनिसेल्युलर होता है, एक कोशिकीय होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा के केंद्रक के दो भाग हो जाते हैं जनन क्रिया के समय, जनन क्रिया के समय अमीबा के केंद्रक दो भाग में बढ़ जाता है, फिर जो सेल होता है कोशिका वो भी दो भागों में बढ़ जाता है, इसी के कारण द्विखंडन कहा जाता है, इसका जो लाइंगिंग होता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तीन होता है, चार होता है, आठ होता है, दो होता है। जो हार्ट होता है, याद रखिएगा, हार्ट मतलब जो हृदय होता है, इसमें ह्यूमन बॉडी में चार होता है, फोर, याद रखिएगा, फोर होता है ह्यूमन बॉडी में। जो चैम्बर होता है मतलब कोष्ठक जिसे कहा जाता है कोष्ठ, चार होता है, याद रखिएगा, चार, याद रखिएगा। तीन किसमें होता है, तीन जो मेंढक होता है, फ्रॉग, जो मेंढक होता है फ्रॉग, इसमें क्या होता है, तीन होता है। और दो फिश में, मछली में, मछली में होता है दो, मछली में होता है दो चैम्बर मतलब कोष्ट, तीन होता है फ्रॉक मेंढक में, और चार होता है, याद रखिएगा, इसमें चार होता है ह्यूमन बॉडी में मतलब हार्ट में, हृदय में, याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। देखिए डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए भी पूछ लेता है, आरएनए अगर एग्जाम में पूछ ले तो याद रखिएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए अगर पूछे तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए इसका आंसर है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, सी होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए को मैं ठीक से लिख देता हूँ, आरएनए अगर पूछे तो हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा। आरएनए भी पूछ लेता है एग्जाम में, प्रोटीन का बना होता है, ये भी याद रखिएगा। एड्स किसके कारण होता है, एड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एड्स किसके कारण होता है, एड्स याद रखिएगा, AIDS, ये भी पूछता है एग्जाम में, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, अक्वाट इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स, एड्स का फुल फॉर्म पूछता है। ये वायरस से होता है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस, HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस, विषाणु हो जाएगा,
विषाणु मतलब वायरस से होता है। एड्स किसके कारण होता है? वायरस से। एड्स का फुल फॉर्म पूछता है अक्वाट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? देखिए चार्ल्स डार्विन नहीं होगा, रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट हुक ने तो सेल का डिस्कवर किया था, डेड सेल मृतक जो कोशिका होता है, जे सी बोस नहीं, जगदीश चंद्र बोस, ये भी नहीं होगा, ग्रेगर जन मेंडल, मटर का पौधा याद रखना, मटर याद रखना, मटर का पौधा जो होता है, ठीक है, ग्रेगर जन मेंडल, मेंडल याद रखना, ठीक है। चार्ल्स डार्विन डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन को, चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन, इसका आंसर याद रखिएगा, ग्रेगर जन मेंडल इसका आंसर है, ठीक है, वंशागत नियम का इसका आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चार्ल्स डार्विन ने किया थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो विकास का सिद्धांत है, इनका एक पुस्तक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा पुस्तक का नाम है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, चार्ल्स डार्विन का। रॉबर्ट हुक सेल याद रखने का, सेल का डिस्कवर किया था, सेल साल अगर पूछे 1665 में, डेड सेल मृत कोशिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोमास। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेट्रोलियम, याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कोयला से रिलेटेड, कोयला से एग्जाम में पूछता है। देखिए कोयला इसका, इसके सबसे जो अच्छा स्रोत होता है कार्बन का वो होता है एंथ्रासाइट, जिसमें 90% कार्बन रहता है, एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट। एक होता है बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट और एंथ्रासाइट, याद रखिएगा। बिटुमिनस एक कोयला का पार्ट है, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट और एंथ्रासाइट, सबसे अच्छा जो है 90% कार्बन रहता है वो एंथ्रासाइट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजन परत की क्षति का मुख्य कारण है, ओजन परत की क्षति का मुख्य कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं, कार्बन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका जो सही आंसर है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ओजन मतलब O3, इसका जो चिन्ह होता है O3, याद रखिएगा। ओजन, ओजन परत कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा, ओजन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में, कहाँ? समताप मंडल, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, समताप मंडल में, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में, याद रखिएगा, समताप मंडल में। और हमें सूर्य से जो निकलता है अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरण से हमें रक्षा करता है, ये भी याद रखिएगा। ओजोन परत अल्ट्रावायलेट रेट, अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है, पराबैंगनी किरण से हमें रक्षा करता है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन देखिए, उड़हुल किस प्रकार का फूल है? उड़हुल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी, एकलिंगी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा द्विलिंगी हो जाएगा। उड़हुल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनासोर किसका उदाहरण है? डायनासोर किसका उदाहरण है जो कि विलुप्त हो चुका है, ठीक है, जो कि विलुप्त हो चुका है, अभी नहीं है, ये सरीसृप का है, याद रखिएगा, सरीसृप। डायनासोर किसका उदाहरण है? सरीसृप, याद रखिएगा। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।